सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, क्या आप भी डुओलिंगो एप्लीकेशन यूज़ करते हो भाषा सीखने के लिए? तो गाइस, आज इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ, जिसको आपको ज़रूर से ऑन करके डुओलिंगो एप्लीकेशन को यूज़ करना चाहिए। दोस्तों, आप यदि डुओलिंगो एप्लीकेशन को रात में यूज़ करते हो तो इसमें एक सेटिंग होता है डार्क मोड। मतलब डार्क मोड को आप जब ऑन कर दोगे तो इस एप्लीकेशन में सब कुछ डार्क डार्क दिखाई देगा। और इससे क्या होगा गाइज, इससे आपके आँखों में ज़्यादा जोर नहीं पड़ेगा। तो आप इस सेटिंग को ऑन कर सकते हो, और आप रात में यदि डुओलिंगो यूज़ करते हो तो इस सेटिंग को ऑन करके आपको यूज़ करना है डुओलिंगो एप्लीकेशन को। तो इस सेटिंग को कैसे ऑन करना है आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। तो सबसे पहले आपको डुओलिंगो एप्लीकेशन को ओपन करना है, और एप्लीकेशन को ओपन कर लेने के बाद वह सेटिंग आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा। तो गाइज, आपको यहाँ पर नीचे देखने को मिलेगा ये एक ऑप्शन, और उसके साइड में और एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर गाइज आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप आ जाएंगे अपने प्रोफाइल में। तो गाइज, प्रोफाइल में आने के बाद आपको यहाँ पर सबसे ऊपर कॉर्नर पर आपको एक सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है, नीचे की ओर आना है। तो गाइज, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा डार्क मोड। तो इसके ऊपर आपको सिंपली से क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बंद है। तो अभी हमारा डार्क मोड बंद है, तो इसे चालू करने के लिए हमें यहाँ पर क्लिक करना है चालू है। तो चालू है के ऊपर हमें क्लिक करना है। तो उसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइस, इस एप्लीकेशन का थीम डार्क हो जाएगा। उसके बाद आप रात में इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो, और आपके आँखों में ज़्यादा जोर नहीं पड़ेगा। तो आप जब दिन में इस एप्लीकेशन को यूज़ करोगे तो दोबारा से आपको यहाँ पर आना है, और आपको सेटिंग को बंद कर देना है। यहाँ पर क्लिक करना है बंद है के ऊपर, और बंद है के ऊपर क्लिक करने के बाद ये इस प्रकार से दोबारा से पहले जैसा हो जाएगा। तो आशा करता हूँ गाइज, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि वह भी जान सके। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।